कांग्रेस, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव 2022 की तैयारियां प्रत्याशियों ने शुरू कर दी हैं, ऐसे में हम भी ग्राउंड पर उतरे हैं और जानना है लोगों की समस्या कि किस तरह से उनके सभासद ने उनके वार्ड में काम कराया है और कितना काम नहीं कराया है। आज हम वार्ड नंबर 14 कोट पूर्वी दक्षिणी में आए हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि सभासद के कार्यकाल से वो कितना खुश हैं और कितना नाराज़ हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि कितना काम उनके सभासद ने किया है, कितना नहीं किया है। क्या नाम? मेरा नाम गौरव टंडन है। गौरव जी, आपके सभासद को 5 साल हो चुके हैं, कार्यकाल को भी पूरा हो चुका है कार्यकाल, ऐसे में सभासद ने कितना काम आपके वार्ड में किया है, कितना काम नहीं किया? बस सड़कें वगैरह पहले की बनी हुई है, पहले भी शासनकाल इसी का रहा पिछले 5 साल पहले, और अब 3.5 साल से सभासद की हमने शकल ही नहीं देखी है। सभासद है कहाँ हमें यही नहीं पता, वार्ड में घूमता नहीं है बिल्कुल भी। साफ़ सफाई जो है सफाई कर्मचारी अपने करते हैं, अपनी ड्यूटी है उनकी, वो ड्यूटी पे अपने रहते हैं, सफाई व्यवस्था सही चल रही है। बाकी लाइट पे खंभों पे पोल वगैरह हैं, इनकी लाइटें कर्मचारी आते हैं करते रहते हैं सही, लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ है 3.5 साल से खराब पड़ा है, अपने हाथ से कनेक्शन लगाना पड़ता है, रोज हटाना पड़ता है, बरसात हो या कुछ भी हो। तो मोहल्ले में सभासद का काम ही होता है कि वो वार्ड में सफाई करें, फिर नालियाँ साफ करें, ये चीज़ें हो रही है, तो फिर किस लिए नाराजगी है? नाराजगी है कि कम से कम वार्ड में एक बार घूम के देखना तो चाहिए, वार्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो शकल ही नहीं दिखाता, घर से ही नहीं निकलता, घर से ही नहीं निकलता। बीजेपी के नेता बने फिरते हैं, जहाँ बीजेपी के कार्यक्रम होंगे वहाँ चले जाएंगे अपने फोटो खिंचवाने के लिए, अदरवाइज वार्ड के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, वार्ड के ऊपर ध्यान नहीं उनका। और भी लोगों से लेऊंगा मैं कि क्या परेशानियां हैं, क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? राजीव रस्तोगी साहब। अच्छा, क्या समस्या है आपको अपने वार्ड में, सभासद के कार्यकाल से कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं? बस ये साहब, नाली वाली सफाई होती रहती है और ये कूड़ा वूड़ा हो जाता है, बस यही है, जितना का ध्यान है। ये जो आप इसकी शिकायत कर रहे हैं कटआउट की, कटआउट खराब है, इसकी शिकायत आपने की थी या नहीं? वार्ड नंबर को बताइए सर, यहाँ पिताजी बता, सभासद को भी पता है कि कटआउट, ये मैं दिखाऊंगा कि कटआउट की समस्या है। लोग यहाँ जब ये लाइट आती है, लाइट जलाने के लिए किस तरह से लगाते हैं, चचा लगा कर दिखा रहे हैं, देखिए कि ये जान जोखिम में डालना होता है, ये कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है। किस तरह से ये कटआउट में जाकर पूरे इलाके की लाइट चालू होती है, खंभों पर जो लाइटें स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं वो खराब पड़ी हैं, ये देख रहे हैं कि खंभे में ये 3.5 साल से खराब पड़ी हैं। सभासद से कई बार शिकायत कर चुके हैं और सभासद को भी देखना चाहिए कि 3.5 साल हो चुके हैं, ये कटआउट लगना चाहिए क्योंकि जान जोखिम में आने का खतरा है। तो बाट का ये पहला हिस्सा था, और भी हिस्सों से मैं दिखाऊंगा कि किस किस तरह की परेशानियाँ हैं, जनता की क्या परेशानियाँ हैं, और जानूंगा वकील साहब से ही पूछूंगा। ये क्या नाम है सर आपका? नागेंद्र शर्मा। नागेंद्र जी, आपके सभासद को 5 साल हो चुके हैं, उनके कार्यकाल को 5 साल हो चुके हैं, ऐसे में कितना कार्य सभासद ने वार्ड में किया है, कितना नहीं किया? नहीं, कार्य तो हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत परफेक्ट 100% तो कोई काम नहीं होता, लेकिन 60% काम तो हो ही रहे हैं। तो सभासद से कितना खुश है? ठीक है, सही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे 100, बहुत ज़्यादा अच्छे में, लेकिन सही है, ठीक है। 50-50 है इनका, ये बता रहे हैं कि सभासद ने 60% काम किया है। ये गद्दियों की तरफ को जो जाते हैं तो इधर तमाम गोबर पड़ा रहता है, लोग फिसल फिसल कर गिरते रहते हैं, इस समस्या पे ध्यान देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मंदिर के चारों तरफ गंदगी रहती है, गोबर पड़ा रहता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कभी यहाँ फॉगिंग नहीं होती, मच्छर। और लोगों से भी जानेंगे, लभाई ने बताया कि आगे मंदिर है, मंदिर के पास गंदगी पसरी रहती है, मच्छर उत्पन्न होते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सीमा गुप्ता। अच्छा, सभासद के 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं और कितना नाराज हैं, कितना काम किया है सभासद ने? काम तो अपने हिसाब से हर आदमी करता ही है ना, और ना खुश होने का तो खैर कोई सवाल नहीं है, जितना ध्यान उन्हें रखना चाहिए भाई, हर काम आदमी हिसाब से ही करता है उतना ही कर देते हैं। वैसे हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ इधर को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे ये हमारे बराबर में घर है ना, तो पानी की समस्या इस समय तो खूब आ रहा है, पानी ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी जैसे अगर कोई मतलब सरकारी ट्यूबवेल का जैसे अलग से लगा देते हैं ना, तो जैसे उनकी तरफ है ऐसा इंतजाम कोई और अच्छे से हो जाता ना इधर, तो थोड़ा पानी का कभी कभी ना मई जून में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जैसे अगर मान लो हो 2-4 घरों में इनमें वो वाला समरसेबल टाइप का ना पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उस समय गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बस मई जून में थोड़ी परेशानी पड़ती है कि पानी नहीं आता है। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानूंगा कि क्या समस्या आती है। कि क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी, 5 साल का कार्यकाल सभासद का हो चुका है, ऐसे में कितना काम आपके सभासद ने किया है? पानी वाली सवारियाँ है, लाली वाली साफ हो रही, झाड़ू भी लग रही है। तो आप सभासद के काम से सभासद के काम से खुश हैं? जी खुश है बिल्कुल।
तो और भी लोग हैं और लोगों से जानूंगा कि किस तरह की परेशानियां हैं। एक आंटी खड़ी हैं, इनसे पूछूंगा। क्या नाम है आंटी आपका? नाम कड़ाती। अच्छा, आपके मेंबर साहब ने आपके वार्ड में कितना काम कराया? नहीं, सभासद आपके जो मेंबर साहब हैं उन्होंने आपके वार्ड में काम कराया। पानी आता है नहीं आता है? पानी तो आता है। पानी आता है, 12 महीना आता है। हाँ, 12 महीना पानी आता है। परेशानी नहीं होती पानी? मगर ये लाइटें लाइटें सब खराब है मेरी। जैसे कि मई जून आता है, गर्मियाँ आती हैं, उस वक्त भी पानी आता है? हाँ आता है। तो ये बता रही हैं कि पानी आता है, लेकिन एक महिला आरोप लगा रही थी कि पानी मई जून में नहीं आता है। ये है वार्ड नंबर 14 कोट पूर्वी दक्षिणी, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था कि सभासद ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। तो यहाँ के लोग थोड़ा राजी हैं और थोड़ा नाराज़ हैं। सभासद के काम से तो खुश हैं, लेकिन सभासद से थोड़ा नाराज नज़र आए। ये था वार्ड नंबर 14 कोट पूर्वी दक्षिणी। अब अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे वार्ड नंबर 15 से वहाँ की जनता की समस्याएं। तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।